नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो जो है बहुत ही शानदार होने वाला है और इस वीडियो का कमेंटमेंट आपको बहुत पहले ही कर दिया गया था। बहुत सारे बच्चे वीडियोज में कमेंट कर रहे थे कि सर कट ऑफ पे वीडियोज कब आएगा, हमें कम से कम कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, कम से कम कितने क्वेश्चन सही करने पे हमें हमारी मनपसंद यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो के साथ साथ लगभग आपको 50 से ज्यादा वीडियो मिलने वाले हैं जो कि आपके काउंसलिंग से भी रिलेटेड होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, वो रियल ग्राउंड लेवल इन्फॉर्मेशन जो आपके काउंसलिंग और आपके एडमिशन पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी चीजें मैं बताऊंगा वो एकदम एक्सपीरियंस्ड है, 2 साल का अनुभव है मेरा, बीएचयू में पढ़ रहा हूं, तो जो भी चीजें आपको मैं दूंगा वो लगभग 90% से ज्यादा जो है वो अभी सीयूटी पहली बार हो रहा है, नहीं तो मैं 100% बोल देता। इसीलिए बहुत मेहनत करके इस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे डेटा को ऑफिशियली कलेक्ट करना पड़ा, बहुत एनालिसिस करनी पड़ी, बहुत लोगों से बात करना पड़ा और बहुत वीडियोस देखने पड़े यूट्यूब पे, यानी ग्राउंड रिपोर्टिंग, जिससे ये आइडिया लग जाए कि लोगों का क्या इस पे व्यू है क्वेश्चन लेवल पे। क्योंकि देखो जो कट ऑफ होता है वो बेसिकली 2-3 चीजों पे डिस्कस जो होता है वो बेस्ड होता है। एक होता है पेपर लेवल कैसा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में अभी डाउट चल रहा है, लेकिन पेपर का लेवल लगभग यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो देखो आज का जो डिस्कशन है, हम लोग पहला यूनिवर्सिटी कवर कर रहे हैं वो है बीएचयू। अब आप कमेंट करके बताओगे कि आपको आगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का इसमें कट ऑफ चाहिए, क्योंकि आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बीएचयू, जिसमें देखो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट को समझते हैं। बीएचयू में जो बीए होता है इसके 2 विंग होते हैं, कितने होते हैं, 2 विंग्स होते हैं, एक होता है आर्ट्स और एक होता है सोशल साइंस। आर्ट्स और सोशल साइंस में डिफरेंस क्या होता है इसको भी थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे। देखो जो आर्ट्स होता है इसमें बेसिकली फॉरेन लैंग्वेज भी होता है, यानी यहाँ पे जब आप आओगे तो आपको यहाँ पे एक पूरा स्लैब मिलता है सब्जेक्ट्स का, यानी कोर सब्जेक्ट्स आप ये लेके पढ़ोगे, आप लैंग्वेज में ये लेके पढ़ोगे, आपके एंसिलरी ये होगा। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर वो पॉइंट मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा तो फिर ये वीडियो मिस हो जाएगा, तो आप कमेंट कर देना अगर मुझे लगेगा कि बहुत ज्यादा बच्चे परेशान है अभी उस चीज को भी समझना चाहते हैं कि कैसे उनका पूरा फ्रेमिंग है, सब्जेक्ट्स कैसे फ्रेम किया जाता है, तो उसको मैं अलग समझा दूंगा। तो बेसिकली देखो यहाँ पे जो बीए है वो आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज है, ठीक है, और हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे ओनली बीए का, जिसमें आर्ट्स होगा, सोशल साइंसेज नहीं होगा। अब देखो इसमें FMC यानी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में अगर हम लोग नंबर ऑफ सीट्स की बात करें, पहले हम लोग जान लेते हैं कि कितने सीटें हैं इसमें, लगभग 700 प्लस हैं। उसके बाद 15% से 12% आपका क्या है, पेड सीट है। उसके बाद आपके लगभग 5% जो है अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग है, 5% स्पोर्ट्स कोटा है और उसके बाद 12% आपका यहाँ पे फॉरेन कोटा है। अब ये समझ गए, अभी कोटा कैसे यूज हो रहा है इस चीज को भी अलग समझाना पड़ेगा। देखो ये बड़ा पेचीदा है, मैं क्या बोला कि 50 से ज्यादा, इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे आपको एक टारगेट दे रखा है, टारगेट 100 के, क्योंकि जब मैं 50 वीडियो बनाऊंगा और वो भी इतना ज्यादा मतलब मेहनत करके बनाऊंगा, तो बीएचयू पाठशाला का भी ये 100 के होना चाहिए। और आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगा चैलेंज है, किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिल सकते है, क्योंकि यहाँ पे रह के चीजों को बताना वो एकदम ऑफिशियली जाएगा, लगभग फुल्ली ऑफिशियली होगा वो, और बाकी जस्ट एक यूट्यूब चैनल चलाना में डिफरेंस होता है। तो बीएचयू पाठशाला पे मैं और जो भी बीएचयू पाठशाला के बाकी मेंबर्स हैं वो यही पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो भी चीजें बताएंगे वो जेन्युइन बताएंगे आपको। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बीएचयू पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करना, बाकी को भी करो, लेकिन बीएचयू पाठशाला जरूर रहना चाहिए, क्योंकि आपको यहां मिलेगा सबसे पहले और सटीक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो यहां पे ये जो परसेंटेज है ये इस 700 पे लगता है, यानी जैसे मान लो ये 100 होता तो 100 पे 15 बच्चे एक्स्ट्रा लिए जाएंगे, इसीलिए मैंने यहां प्लस लिखा हुआ है, 15% एक्स्ट्रा, मतलब 100 पे 15 बच्चे एक्स्ट्रा पेड। ये पेड क्या होता है, यानी आप पैसे देके एडमिशन करा सकते हो, लेकिन वो भी मेरिट को फॉलो करेगा, सॉरी कट ऑफ को फॉलो करेगा, यानी आपके ही रैंक को फॉलो करेगा, वो अलग से मैं बताऊंगा पेड सीट पे एडमिशन कैसे होता है। उसी तरीके से स्पोर्ट्स कोटा होता है, उसी तरीके से फॉरेन कोटा होता है, ठीक है। तो ये आपके सीट पे लगाई जाती है, ना कि आपके सीट के अंदर काटा जाता है। इसमें एक चीज मैं भूल गया हूं, वो है आपका EWS, ठीक है,
EWS जो है वो भी इसी वैल्यू पे 12% बढ़ा के लगाया जाता है, ध्यान देना। तो ओवरऑल आपका जो सीट हो जाएगा एफएमसी में आर्ट्स का वो हो जाएगा 700 से ज्यादा, यानी लगभग 800-900 पहुंच जाता है, क्योंकि पूरा सीट फुल भी नहीं हो पाता है, वो मैं बताऊंगा बाद में क्या रीजन होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एडमिशन एफिलेटेड कॉलेज में बहुत सारे एफिलेटेड कॉलेज, जैसे MMB है यानी महिला महाविद्यालय, DAV है, AMPG है, RGSC है, BCW है, VKM है, ये BHU के एफिलेटेड कॉलेज हैं। लेकिन मैं इस पे भी एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि एफिलेटेड कॉलेज में कौन से कोर्स किस कॉलेज में, हर में नहीं चलाया जाता है, और हर का जो कट ऑफ लेवल है वो अलग आएगा, सबकी फीस अलग आएगी, किस एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन लेना है, किसको नहीं लेना है, लड़कियों को लेना है, लड़कों को लेना है, तमाम बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अब हम लोग आते हैं आज के इस वीडियो के मेन पॉइंट पे, यानी कट ऑफ पे। तो रेडी हो जाने के लिए कमेंट करो कौन कौन इस बार BHU में आ रहा है, कमेंट करो, और कौन कौन मेरे से मिलने वाला है यहाँ पे एडमिशन लेके, कौन कौन मिलने वाला है कमेंट करो। ये देखो कट ऑफ है BA आर्ट्स FMC यानी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस। गाइज प्लीज यहाँ पे दिमाग में बैठा लो, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 900 सीट्स, उसके बाद भी अभी बहुत सारा सीट बचा हुआ है, उसकी कट ऑफ अलग से बनाऊंगा मैं, ठीक है। जनरल ओबीसी STSC, लोग सोच रहे होंगे सर EWS कहां चला गया और बाकी PH कहां चले गए, तो वो मैं अंडर एस्टिमेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनके लगभग कट ऑफ में बस थोड़े से अंतर होते हैं, मान लो 2-3 क्वेश्चन के, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो जनरल 350 प्लस माइनस 20 यानी 330 से लेके 370 तक कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कट ऑफ में 350 से ऊपर हो तो एकदम सेफ मान लेना अपना एडमिशन, क्योंकि ये जो है मैंने हाईएस्ट वैल्यू लिखा है, इससे कम वाले में भी 20 कम करके भी आप अपने आप को मान सकते हो कि आपका एडमिशन हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, यानी 330 से लेके 350 के ऊपर गए तो एकदम सेफ जोन में, यानी आज ही जाके मिठाई खिला सकते हो, ध्यान देना। इस वीडियो को सेव करके रख लेना, अगर नहीं होता तो मेरे को बताना, लगभग चांसेज होता है हो जाता है, इतना एक्सपीरियंस है मुझे। ओबीसी में 320 प्लस पे तो 100% है, बाकी 20 माइनस कर दो तो भी आपके एडमिशन के चांसेज हैं इन मेन कैंपस। उसके बाद एसटीएससी में 280 प्लस माइनस 20 वही सेम चीज है, 260 के ऊपर और 280 पे एकदम सेफ है, यानी आप मिठाई खिला सकते हो, फाइनली आपका एडमिशन फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में हो जाएगा, ठीक है। यानी मालवीय जी के बगिया में आप भी आ जाओगे फुलने और खिलने। अब यहाँ पे कुछ लड़कियां कमेंट करेंगी कि सर एक बात बताओ, हमारे लिए कितने नंबर पे एडमिशन होगा। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले लड़कियों का जो रिजर्वेशन होता है वो 33% होता है, यानी 33%। तो आपकी जो रिजर्वेशन कोटा है उसको आप यूटिलाइज करोगे एज नॉर्मल, जैसा लोग करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लगभग आपकी जो वैल्यू है वो तो स्टार्ट होगी 70 क्वेश्चन से, यानी वही 350 से ही स्टार्ट होगी। यहाँ बात आ जाती है कम ज़्यादा चला जाता है, कहने का मतलब ये है, आई थिंक शायद नेक्स्ट स्लाइड में मैंने उसको लिख रखा है। अच्छा अभी मैं लड़कियों के लिए मैं वीडियो बताता हूँ, अगर आगे लिखा होगा बता दूंगा, नहीं मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन कट ऑफ क्या होता है, यानी क्वेश्चन बेस्ड कट ऑफ, यानी आप कितने क्वेश्चन सही किए हो। बहुत सारे लोग हो सकता है काउंटिंग ना कर पा रहे हो, तो क्वेश्चन कितना सही है तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये जो है ना, ध्यान देना कि ये हम लोग देखो किसकी बात कर रहे हैं, GT और प्लस लैंग्वेज, ध्यान देना इसमें डोमेन नहीं है, ये पता रहना चाहिए। GT का 60 और जो लैंग्वेज है उसका 40, यानी 100 क्वेश्चन पे हम लोग बात कर रहे हैं। ये नहीं कि आप लोग सोच लो कि 300-400 पूरे डोमेन सेलेक्ट कर क्या और 70 पे हो जाएगा। तो ये सेफ जोन है, 70 क्वेश्चन सेफ जोन है आपके राइट क्वेश्चन का, आपके सिलेक्शन का। ये जो है ये 70 जो है ये आपके राइट क्वेश्चन होने चाहिए, यानी अगर आपने इसमें गलत क्वेश्चन भी करा है तो कट पीट के आपके 70 सही होने चाहिए। और अगर आपने ज्यादा गलत, मान लो आपने सपोज कि आपने 90 गलत, देखो मान लो कोई बच्चा है वो 90 क्वेश्चन अटेंड किया है और उसमें 70 सही किया है, तो 20 उसका जो है वो गलत भी हुआ है, तो इस 20 का मतलब ये है कि 1/5 लगा के उतना माइनस भी होगा। तो मैंने जो बोला अभी जो 1/5 का जो माइनस होगा उसकी वैल्यू लगभग यहाँ पे क्वेश्चन बढ़ना चाहिए, यानी तब उसके लिए 70 नहीं होगा, अब उसके लिए 72 हो सकता है, उसके लिए 73 हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि जितना आप माइनस में जा रहे हो उसको बैलेंस करने के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस राइट बढ़ेगा, ठीक है। और आपने एकदम सही कर लिया है तो लगभग 72-71 पे सेफ जोन में आप आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग सोशल साइंस पर डिस्कस करेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में अगर कोई डाउट होता है तो यू कैन कॉमेंट्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व, आई विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। और लड़कियों पे जो एक मैंने बात अभी छेड़ी थी वो देख रहा हूँ नहीं पॉइंट है, तो
अगर लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं तो आप कमेंट कर दो, क्योंकि देखो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है ना एक ही वीडियो में, मैं पूरा नहीं समझाना चाह रहा हूं क्योंकि फिर वो हलवा हो जाएगा, खिचड़ी टाइप का हो जाएगा। तो कोशिश करो कि आप कमेंट करो, और अगर जेन्यून लगेगा, बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आ जाऊँगा। देख रहे हो कितने सारे इन्फॉर्मेशन हो जा रहे हैं इसी, और क्योंकि देखो मेरे पास वो चीज़ है इसीलिए मैं ज़्यादा देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा चीज़ आपको जानना भी चाहिए, क्योंकि मेरे पास अगर आ रहे हो ना तो मैं काउंसलिंग में इतनी सा भी गलती नहीं होने दूंगा, इस बात की 100% गारंटी है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग चैनल पे बने हो तो एकदम परेशान मत हो ना, काउंसलिंग के लिए एकदम बेस्ट आपको यहाँ सबको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। प्लीज़ इस टारगेट 100 को पूरा करिएगा, आप भी इस परिवार का हिस्सा बने, और जब आप एडमिशन लें तो चैनल 100 पे रहे और हम लोग मिले, बहुत सेलिब्रेट करें, ठीक है। और सिलेक्शन के बाद मेरे साइड से पार्टी जरूर रहेगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। हर हर महादेव। मुस्कुराते रहिए।